अच्छा तो साक्षी जी, मेरे को आपका काम काफ़ी पसंद आया। बाकी तो हम देखते हैं फिर। नमस्ते मैडम। मैडम, आपके बेटे की शादी को 1 महीने से ज़्यादा हो गया। अगर हमारे पैसे मिल जाते तो आपकी बड़ी मेहरबानी। क्या हुआ साक्षी, कुछ प्रॉब्लम है क्या? अरे नहीं नहीं कुछ नहीं। रमेश, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। रुको, ये लो तुम्हारे पैसे। ठीक है साक्षी, मैं चलता हूँ। ओके सर, थैंक यू। ठीक है मैडम, मैं चलता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कर रहे भैया? यहाँ खड़ा हो। बहुत पैसे पैसे करना सीख गया ना तू? हाँ, सामने देखा नहीं कि बड़ा अधिकारी है तो तेरा मुंह चलना शुरू हो गया। लेकिन मैडम, हमको पता थोड़ा ना था कोई अधिकारी आया, हम तो उन्हें पैसे लेने आए थे। पता हो या ना हो, अब मैं तुझे बताऊंगी। लेकिन मैडम, हम तो अपने हक के पैसे तो मांग रहे, हमको और लोगों को पैसे देने पड़ते, कहाँ से देंगे? तो मैं क्या कहीं भागी जा रही थी जो तुझे आज ही ऑफिस आना था पैसे लेने? आप हमें 1 महीने से टरकाए जा रहे हैं। आप कितनी बड़ी अधिकारी है और हमारे थोड़े से पैसों के लिए हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं आप? अच्छा, पैसे वापस लो। चल पैसे वापस कर, वापस कर वरना दूंगा एक कान के नीचे। लेकिन मैडम, ये तुम्हारे हक के पैसे हैं, क्या कर रहे हैं आप? आज इसका हिसाब बराबर ना कर ही देते। जी मैडम, एक एक पैसे का हिसाब बराबर कर दूंगा आज इसका। मैडम, हमने आपका क्या बिगाड़ा है? ऐसा मत कीजिए, मैं अर्जा तुम्हें जाने दीजिए। मैडम, इसे ऐसा सबक सिखाना कि दोबारा सर उठाना भूल जाए। हमने आपका क्या बिगाड़ा है? हमें जाने दीजिए। मैडम, इधर क्या देखता है, चल तेरा हिसाब बराबर करता हूँ। और अगर तुझे लगता है ना कि ये यहीं पे रुक जाएगा तो तेरी गलत फहमी है। देख तू मैं तेरे साथ आगे क्या क्या करती हूँ, लेके जाओ इसे। चल 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 चल। मैम, यही है वो दुकान। हाँ भाई, बैंड वाले। मैडम, आप तो हम आपके पास पैसे मांगने भी नहीं आए, अब आप लोग यहाँ क्या करने आए? मैडम, आज तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम मुझसे पैसे मांग रहा, कल को तेरी जगह कोई और आके खड़ा हो जाएगा। इसलिए इस सारे इलाके को ये बताना बहुत जरूरी है कि मेरे खिलाफ बोलने का क्या नतीजा हो सकता है, समझा? चलो तोड़ना शुरू करो। क्या करो भाई, करो भाई। मैडम रोकिए, भाई क्या कर रहे हो भाई? मैडम क्यों किसी बेचारे को परेशान कर रहे हैं? क्या है बे, तू अपना काम कर, चल निकल यहाँ से। पर भैया, आप इसकी दुकान तोड़ क्यों रहे हो? अगर तूने ज्यादा बकवास करी ना तो तुझे तोड़ना स्टार्ट कर दूंगा यहीं पे, चल निकल यहाँ से। सुन की हेड, अगर ज्यादा आवाज निकाली ना तो तेरी दुकान भी ना यहाँ से उठवा दूंगी। क्या आप मेरी दुकान भी तोड़ दोगे? यहाँ के लोगों को ये समझ आ जाना चाहिए कि मुझसे दुश्मनी करना उन्हें कितना भारी पड़ सकता है। अच्छा ऐसी बात है, तो फिर आज से मैं भी आपसे दुश्मनी ले ही लेता हूँ। क्या तेरा दिमाग खराब है क्या? तुझे अपनी दुकान नहीं बचानी? मेरी दुकान तो बच जाएगी, पर अब तुम्हारी नौकरी खतरे में है। अच्छा, अब तू मुझे नौकरी की धमकी देगा? एक मामूली सा आदमी मुझे बताएगा कि क्या करना है? ठीक है फिर, मिसेज साक्षी आहूजा, आपको आपके पोस्ट से मैं 6 महीने के लिए सस्पेंड करता हूँ। अबे तू होता कौन है मुझे सस्पेंड करने वाला? तू क्या यहाँ का कलेक्टर है क्या? जी हाँ, मैं इस शहर का नया DM सौरभ पात्रा। सर सर, आई एम रियली सॉरी, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। अच्छा, मेरे सामने इस बेचारे गरीब को तुम परेशान कर रहे हो, इसकी दुकान तोड़ने यहाँ आ गई हो और कह रहे हो कि कुछ नहीं कर रहे थे। देखा सर, हमने आपसे पहले ही कहा कि औरत हमारे धंधे के पीछे पड़े हुए हमारी दुकान को तोड़ना चाहती है, अब तो आपने अपनी आंखों से देख लिया ना। सर ऐसा कुछ भी नहीं है, आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको सब समझा दूँ। तुम मुझे क्या समझाओगे, रमेश ने मुझे ऑलरेडी बता दिया है कि कैसे तुमने इसको परेशान किया, इसके पैसे नहीं दिए और जब इसने पैसे मांगे तो तुमने इसको मारा पीटा भी। सर कुछ ले दे के सुलझा लेते हैं ना, मैं इस आदमी को कभी हाथ नहीं लगाऊंगी, आप चलिए मेरे साथ। यही तो प्रॉब्लम है इस देश की, तुम खुद तो करप्ट हो ही
और सामने वाले को भी करप्ट ही समझती हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। तुम्हारा सस्पेंशन लेटर मैं तुम्हें कल तक भेज दूंगा। सर प्लीज ऐसा मत कीजिए, मेरा परिवार है, मेरे घर पे छोटे छोटे बच्चे भी हैं। तो क्या इसका परिवार नहीं है, इसके बच्चे नहीं है? रमेश तुम कल ही इन दोनों के खिलाफ FIR दर्ज करना, बाकी मैं देखता हूँ। जी साहब, शुक्रिया साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो जाओ आप यहाँ से। साहब आज आप जानते नहीं आपने कितना बड़ा काम किया, आपने हमारे साथ साथ यहाँ के बहुत से दुकानदारों का भला किया साहब। ये औरत साहब सिर्फ हमें नहीं, यहाँ के सभी दुकानदारों को ऐसे धमकाती थी साहब। साक्षी जैसे अफसरों को सबक सिखाना बहुत जरूरी था, लेकिन जब तक आप जैसे लोग अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। आप बिल्कुल सही कह रहे साहब, आपको देखकर आज हमें पूरा यकीन हो गया कि हमारे देश में आप जैसे अफसरों की कमी नहीं जो कानून को बचा सकते हैं और उसकी हिफाजत कर सकते हैं। आपकी ईमानदारी को मैं सलूट करता हूँ सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं रमेश, तुम अपना ख्याल रखो, मैं अब चलता हूँ। अगर आप या आपके नोन में कोई भी कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है तो ज्वाइन कीजिए हमारे फेसबुक और टेलीग्राम कम्युनिटी विद्स क्रिएटर्स। वहाँ पे आप कंटेंट क्रिएशन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं या अपने नॉलेज से किसी को सोल्यूशन दे सकते हैं। तो आइए एक ऐसी कम्युनिटी बनाए जो ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने में मदद करे। इसका डिस्क्रिप्शन कॉमेंट सेक्शन में देखें। जोर से बोलो हैप्पी डीडी।